हे स्टूडेंट्स, कॉम वी आर राइट बैक हियर। और मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में जरूर लाऊंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी लाना जरूरी था क्योंकि मुझे आपने बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो बैक टू द स्टडी। जस्ट एज एग्जाम्पल की मैंने फर्स्ट बैच इसी का चलाया हुआ है और फर्स्ट बैच में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स 2023 में 100% आना है इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाना इज ए ट्रू फ्रूट एंड ऑल्सो पार्थेनोक्रैटिक फ्रूट। बनाना एक ट्रू फ्रूट है और पार्थेनोक्रैटिक फ्रूट है, इसके पीछे का रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है, रिपीट बार हुआ है, कई बार रिपीट हो सकता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनेशन। उस पॉलिनेशन के बारे में बताइए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज, जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स की जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो सभी के सभी स्टिग्मा में लैंड कर रही हो सेम स्पीसीज की, तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने बताए हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस फाउंड इन द मैच्योर एम्ब्रियोसाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म। मैच्योर एम्ब्रियोसाइट ऑफ द एंडोस्पर्म में कौन से फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है इन 1 मार्क्स। ज्यादा नहीं लिखना है, मुश्किल से आपको देखो 1 मार्क्स का क्या होता है कि 10 से 15 वर्ड्स तक सही है। तो उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। 2 मार्क्स में आता है, क्लिस्टोगैमी हो सकता है और भी कई गैमीज, ज़ीनोगैमी हो गया, ये सारी चीजें जो है ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। कौन से ऐसी सेल है फ्रॉम विच द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट डेवलप। वो सेल का नाम बताओ जिससे एंडोस्पर्म कोकोनट का डेवलप होता हो, उस सेल का नाम बताना। तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है, पूछा भी जाता है, कोकोनट की जगह और भी चीजें पूछी जा सकती है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ज्यादा नहीं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिख दीजिए, इनफ रहेगा। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और ये कहाँ होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और ये कहाँ होता है, ये किसके किसके बीच होता है और कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको 3 मार्क्स में लिख देनी। देखो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल में बिहेव करना है, लेकिन हाँ ये है कि आप इसको लगभग 40 और 30 वर्ड्स में लेकर चलो, 30 to 40 वर्ड्स में आपको कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब भी करना है और आई थिंक बनाना भी रहता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट विद डायग्राम। अब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने शुरू हो गए, अभी तक ये जो था ये 3 मार्क्स का आता था, ये वाला भी ट्रिपल क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन ये जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट विद डायग्राम है इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। जाइगोट डोमिनेंट फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जाइगोट डोमिनेंट क्यों हो जाता है फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है उसका एग्जाम्पल, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है और उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। 12th, फ्रूट्स में ये सारी चीजें दी हुई है, फ्रूट्स में ये सारी चीजें किस काम में आती है। जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल ओवरी वॉल, ओवरी वॉल से क्या बनता है पेरिकार्प जैसे बन गया, आउटर इंटेगमेंट से क्या बनता है टेस्टा बन गया, इनर इंटेगमेंट से क्या बन गया टेगमैन बन गया। जाइगोट क्या डेवलप करता है एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो प्राइमरी होता है वो एंडोस्पर्म डेवलप। ओवरी से सभी को मालूम है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये, फ्रूट डेवलप होता है, न्यू सेलस से पेरिस्पर्म डेवलप होता है। ये इस तरह की चीजें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएंगी। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूंगा, आराम से इसको देखो, पॉज करो और इसके बारे में लिख लो, और लिखने के बाद इसके आंसर्स निकाल लो या फिर इसको केवल रीड कर लो, आपका फुलफिलमेंट हो जाएगा। तो ये सारा 100% आना ही आना है, श्योर है। और अगर और ज्यादा फॉलो करना है और शेयर करना, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे जो YouTube चैनल पे नहीं है, तो आप PCB बाय एमके सर को फॉलो करके उसको डायरेक्टली कॉपी लिंक कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड डू प्रिपरेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।